जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी, गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गुरु जी गिविंग मी वन मोर चांस टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस जो कि आपने ही मुझे दिए थे। तो आज जो मैं गुरु जी जो बुलवाएंगे वही मैं बोल पाऊंगी, क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे सत्संग करने के आदेश दिए थे तो मैंने गुरुजी को एक बात बोली थी कि गुरुजी मुझे नहीं आता। तो गुरुजी ने बोला सत्संग मैंने देने हैं और तूने तो खाली मुंह चलाना है, बोलूंगा मैं। तो ये गुरुजी बुलवा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वी ऑल आर सो ब्लेस्ड, सो लक्की कि हम गुरुजी की शरण में हैं, सबसे उनके एक छत्र छाया में, उनके अम्ब्रेला के नीचे। और ये पूरी दुनिया जो है गुरुजी की चलाई हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही इज द अल्टीमेट, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब पूरी दुनिया उनकी है तो दुनिया में दुख भी बहुत हैं। तो आज मैं गुरुजी के साथ के वक्त के साथ साथ जो मेरे साथ लेटेस्ट गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है वो मैं कोशिश करूंगी गुरुजी बुलवाएंगे, क्योंकि आज लोगों को बहुत जरूरत है इन चीजों की। और वो कैसे गुरुजी से जुड़ सकते हैं, वो भगवान है इस धरती पर आए और हम सब की प्रॉब्लम्स वो जब मनुष्य रूप में थे तो अपने ऊपर लेते थे। और मैंने बहुत बार गुरुजी को रात में मुझे मौका मिला, और मैं उसको सेवा नहीं बोलूंगी, वो तो मेरे ऊपर ही उपकार था कि उन्होंने मुझे अपने पे कुछ करने का मौका दिया, जो मेरे ही और मेरे परिवार के और दूर दूर के लोगों का, जैसे कि गुरुजी ने बोला कि कल्याण हो गया, कल्याण करा गई, तो गुरुजी कल्याण कर रहे थे और गुरुजी मौका दे रहे थे। तो एक बार मैं गुरुजी के पास, मैं रोज जाती थी वहां पर, पता नहीं क्या था, मुझे ए नहीं पता था, बी नहीं पता था रिलीजन के बारे में, किसी चीज के बारे में, बट एक चुंबक थी जो गुरुजी मुझे अपनी तरफ खींचते थे और मैं भागी चली जाती थी। मैं मेरे हस्बैंड दोनों, मेरे बच्चे भी, आज भी मेरे बच्चे, मेरी डॉटर इन लॉ सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं, और ये गुरुजी की हम सब पर बहुत असीम कृपा है। तो जब मैं गुरुजी के पास, गुरुजी ने मुझे 80% तक बोलकर ठीक कर दिया था, मैं काफी बीमार थी, तो जो क्लॉट्स फॉर्मेशन मेरे थ्रू नोज होते थे उनको ठीक किया था, और गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने तेरे को 80% ठीक कर दिया। बहुत सत्संग है, अब कहाँ गुरुजी घुमाएंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, तो गुरुजी ही बुलवाएंगे। तो जब मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे 80% तक ठीक कर दिया, और आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, और मैं तो वहाँ रोज ही जाती थी चाहे मैं बीमार थी या कुछ भी था। तो एक दिन अचानक से गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि भाटिया आंटी तू बीमार है, जाके अपना इलाज करो। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी ने तो मुझे ठीक कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ, चाहे मैं 80% ठीक हूँ, और 20% मुझे कुछ नहीं फील भी नहीं होता था। तो मैं नेक्स्ट डे फिर आ गई कि गुरुजी आपने तो मुझे ठीक कर दिया था। तो गुरुजी ने फिर मुझे गुस्सा किया, मुझे बोला कि तू फिर आ गई, ले तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, तो मैं तेनू क्या अपना जाके इलाज करा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैं नेक्स्ट डे फिर आ गई, फिर गुरुजी ने मुझे एकदम बुलाया और गुस्सा किया कि आंटी तू सुन नहीं रही, हुन तू मेनू बीमार करेंगी। तो संगत जी, इससे साफ क्लियर है कि गुरुजी हमारी बीमारियां अपने ऊपर लेते थे। तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मंजूर हुआ कि गुरुजी मेरी कोई भी बीमारी अपने ऊपर लें, क्योंकि मैं गुरुजी से यही अरदाश करती थी। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने मन में सोचा, और मैं नेक्स्ट डे मेरी बेटी आई हुई थी, और बीइंग अ लेडी तो मेरी बेटी ने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं तो जरूर कुछ होगा, तो हम गायनी के पास चलते हैं। तो वी वेंट टू अ गायनी। तो उन दिनों गुड़गांव में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, एक प्राइवेट हॉस्पिटल करके होता था, तो उसने मेरा सारा कुछ सुना और
बोलती है कि लाइक मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपके सारे टेस्ट होंगे और आपको 2 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। तो हम हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई, और तब गुड़गांव में गुरुजी ने सत्संग शुरू कराए हुए थे और संगत आती थी, और संगत को पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। और फिर खैर मेरे टेस्ट हो रहे थे, मैंने सबको यही बोला किसी को आने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। तो मेरे बस गुरुजी ने बोला है, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे टेस्ट हो रहे हैं। तो 2 दिन तक टेस्ट होते रहे, कुछ नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं निकला। तो उसने बोला कि चलो हम एक अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं। तो वो लास्ट थिंग थी, तो अल्ट्रासाउंड करते करते रेडियोलॉजिस्ट ने मेरी बेटी को बाहर ले जाके कुछ बोला, और फिर जब वापस आया और फिर बोला कि फिर हमारी मीटिंग हुई डॉक्टर के साथ, तो पता चला कि मेरे को एक ट्यूमर है और वो 1 mm का है और वो ओवरीज को पुश कर रहा है। तो उसने बोला इसका मेजर सर्जरी, और इतना अलार्मिंग नहीं है कि लाइक कि आज ही एडमिट हो जाओ, और एडमिट हुए हुए मैं कल तुम्हारी सर्जरी कर दूं। तो हमने कहा ठीक है, कहते हैं थोड़ा सोच भी लो और प्लान कर लो, पर है ये मेजर सर्जरी। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग घर वापस आ गए। तो अब संगत को सबर वाल आंटी जो सीनियर वाली हैं उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला आंटी ये मामूली बात नहीं है, ऐसे मेरे किसी रिलेशन में उन्होंने बताया उनको हुआ और उनकी डेथ हो गई, तो ये कुछ भी हो सकता है इसमें। तो खैर मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी, और बोले नहीं आप अब गुरुजी के पास चलो और गुरुजी को बताओ। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे मना किया हुआ है आने के लिए। बोले नहीं, उन्होंने बोला तुम अपना चेकअप कराओ, तुमने करा लिया और अब तुम चलो गुरुजी के पास। तो मैं ये सोच के कि लाइक मुझे नहीं जाना, मैं उनको मना करती रही, पर वो मेरे को लेने आ गए और बोले कि गुरुजी को हम जल्दी चल रहे हैं और गुरुजी कैबिनेट पे होंगे और आपने गुरुजी से बात करनी है। तो हम लोग जाके वहाँ बैठ गए, और मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हैं, देख रहे हैं, और ये लोग मुझे मिस्टर मिसेस अग्रवाल दोनों इशारे कर रहे हैं कि तुम गुरुजी के पास बात करने जाओ। तो मैं नहीं गई, गुरुजी उठे बैठे फिर रूम में जाने लग गए। जैसे ही वो रूम में जाने लगे तो आंटी ने अपने माथे पे हाथ रखा कि तुमने इतना अच्छा मौका था आज गुरुजी से बात करने का, कर ही नहीं। तो मैंने मन में सोचा था कि मैं गुरुजी को ऐसे तंग नहीं करना। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी रूम में जाके वापिस आए, रूम में बस दरवाजे से वापिस आए और मेरे पास आके, हम लोग जब तक खड़े हो गए थे, जैसे गुरुजी खड़े होते थे संगत भी खड़ी हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी फिर ट्यूमर निकलिया, आप बताओ कि गुरुजी को कैसे पता कि मेरे को ट्यूमर निकला। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं फिर कितने सर्जरी होगी? तो इन द मीन टाइम क्या होता है, हमारी 2-3 मीटिंग्स हो जाती हैं डॉक्टर के साथ। तो मेरी बेटी को वो जो डॉक्टर है नहीं समझ आई, बोली कि मम्मी वो शी इज इन डीप डिप्रेशन, और शी वॉज इन डीप डिप्रेशन। तो उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो फिर कितने कराएगी सर्जरी, ते अपोलो करा ले। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी अपोलो तो बहुत दूर है और हम लोग वहाँ DLF Phase 4 में रहते हैं, अपोलो फरीदाबाद के पास है। तो गुरुजी ने एकदम मेरे मन की बात पढ़ी, अच्छा ते फिर उत्थे करा ले प्राइवेट हॉस्पिटल जिथे तू टेस्ट कराए। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी कह रहे हैं वहां करा ले, चाहे वो डॉक्टर कुछ भी है, तो मैं गुरुजी के आदेश के अनुसार उसी से कराऊंगी। तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला कि अच्छा आंटी और डॉक्टर ठीक नहीं हैगी, ते चल कोई ना तू चंडीगढ़ जा, चंडीगढ़ तो करा ले। तो हम अब इतने हैरान कि यहाँ इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और गुरुजी ने मुझे एक पंचकुला के गंदे से एक नर्सिंग होम में जाके भेज दिया। चलो जैसे गुरुजी का हुक्म। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अभी 8 तारीख को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के बाद में करा लूंगी। तो गुरुजी कहते हैं ना हूं नहीं जाना है, तैयारी कर लो। तो मैं मन ही मन सोच रही कि गुरुजी हफ्ता ही रह गया,
शिवरात्रि में, और आप मुझे अभी भेज रहे हो, और मैं शिवरात्रि आपके बगैर मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बड़े बड़े फंक्शंस अटेंड करना। तो खैर गुरु जी का आदेश था तो बोले तैयारी करके 2 दिन में निकलो। हम लोग निकल गए और मैं रास्ते में गुरु जी को बोली जा रही हूँ कि गुरु जी आपने शिवरात्रि का तक मुझे नहीं इजाजत दी, पर मुझे अब आपके दर्शन चाहिए। तो हम लोग चले गए, वहां गए, फिर सारा फिर गुरु जी ने एक चीज और बोली कि तू अपनी नोज की भी करा ले सर्जरी। मैंने कहा अच्छा गुरु जी, दोनों सर्जरी करा लेना उत्थे जाके। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो हम चल पड़े, तो मेरा भाई बड़ा हैरान परेशान कि पता नहीं कहाँ तुम ऐसे हर चीज मानते हो ये वो। तो हमने कहा अब जो भी है, हम चुप करके चले गए। तो वहां गए और फिर 2 दिन पहले एडमिट हुई मैं, सारा कंसल्टेशन हुई, सब कुछ हुआ, उसमें 1-2 दिन लग गए, फिर मुझे उन्होंने एडमिट किया। अकॉर्डिंग टू माई रिपोर्ट जो है, उन्होंने सर्जरी 2.5 घंटे की मेरी प्लान की। तो जब मुझे उन्होंने खोला तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो ट्यूमर जो है वो 2.5 किलो का था, 2.5 किलो का भार निकला वो ट्यूमर, और गुरुजी ने उसको इतना बड़ा कर दिया। और वो जो है सर्जरी 5 घंटे से ऊपर चली और मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था 2.5 घंटे का। तो बाद में पता चला कि वो जो एनेस्थेटिक था वो गुरुजी का ब्लेस्ड बंदा था, और वो गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में आया करते थे वो, उन्होंने मुझे फिर बाद में बताया। तो बोले कि ये कैसे सर्जरी हुई मुझे नहीं मालूम, और मेरे जो जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, और बेटे के टाइम वो अंदर वाले स्टिचेस टूट गए थे, उन्होंने जल्दी जल्दी बेटे को बाहर निकालने के चक्कर में वो सारे जल्दी जल्दी स्टिचेस दिए थे और अंदर लंप बन गए थे। वो कहते हैं मैंने वो लंप भी काटे हैं सारे, और पता नहीं कितने स्टिचेस तुम्हारे अंदर लगे हैं। तो ये सारा काम जो है ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं करा सकता। और वाकई में गुरुजी ने मुझे एक जीवन दान दिया उस वक्त भी, और मैं 2 दिन तक मेरी हालत बहुत खराब थी और मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे नींद आती थी ना मुझे। गुरुजी ने वो 2 दिन में मुझे कटा के इतना बड़ा मेरा न्यू लाइफ थी। तो अब शिवरात्रि आ गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप और भावना दोनों चले जाओ गुरुजी के पास। तो वो कहने लगे कि तेरे को इस हालत में हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं कोई नहीं, आप जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पास नर्स है और गुरुजी के पास जरूर जाना है। तो मैंने बहुत जिद करके इन दोनों को भेजा, ये बिल्कुल किसी भी उस हालत में जाने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बेग करके इन दोनों को भेजा, एंड उस शिवरात्रि को गुरुजी ने मेरी बेटी से 4 बार एक ही उस पे गाने पे 4 सोलो डांस करवाए, पता नहीं क्या क्या काटा, ये गुरुजी को पता। और उसके बाद मैं सब कुछ भूल चुकी थी, और मैंने 3:30 बजे पूछा टाइम सिस्टर से, और मुझे ऐसे थोड़ी सी मुझे आंख लगी या मैं अनकॉन्शियस थी या क्या था, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने 2 शेड का चोला पहना हुआ था, ऑरेंजेस टर्कोइश मिक्स था उनका, पिंकिश और इस तरह का था। तो और गुरुजी ने दर्शन दिए कि गुरुजी जो हमारा घर है, जो गुरुजी का ही घर मैं कहती हूँ उसको, वो बहुत बड़ा हो गया हॉल, वहाँ गुरुजी हैं, और बाहर जो है और भी बड़ा हो गया जो बाहर का साइड है, और बहुत संगत आई हुई है। इस तरह से गुरुजी ने मुझे पूरी शिवरात्रि दिखाई इन 15 मिनट्स, और मेरी जो है आँख खुल गई। और आँख क्या खुली, मैं अनकॉन्शियस सेमी अनकॉन्शियस थी, और गुरुजी ने जो भी मुझे सारा दिखाया, और मैं भूल चुकी थी कि गुरुजी से मैंने कुछ मांगा था कि मुझे गुरुजी आपने दर्शन देने हैं, पर गुरुजी नहीं भूले कि मैंने उनसे कुछ मांगा था, और ये हैं गुरुजी। सो देन मेरे हस्बैंड का सुबह से और काफ़ी देर तक इनको गुरुजी ने वहाँ रोका, 4:30-5 बजे तक। जब वो घर पहुँचे 6 बजे के करीब तो उनका फ़ोन आया, और मैंने उनको बोला, पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया कि गुरुजी ने ये वाला चोला पहना हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तेरे को कैसे पता। तो मैंने कहा कि मुझे तो गुरुजी दर्शन दे के गए। सो संगत जी ये क्या है,
इसको क्या कहोगे? इट्स लाइक मुझे नहीं पता था मेरी बॉडी में क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये इतना बड़ा गुरुजी उसको कष्ट निकालेंगे मेरा, और गुरुजी को मालूम था। तो इसको आप क्या कहोगे कि वो कौन थे, क्या थे, और क्यों आए हम सबकी लाइफ में, और क्यों इन्होंने इतने सत्संग दिए हम लोगों को? चलो अब तो एक ये हो गया। जब ये सर्जरी बहुत ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेशंस के साथ हुई, मुझे इतना नहीं फर्क पता चला, बट डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कि अभी दूसरी सर्जरी हम नहीं कर सकते। इससे पहले मैं ईएनटी को भी दिखाई थी, क्योंकि मेरे नोज की भी सर्जरी गुरुजी ने बोली थी। तो फिर ईएनटी को कंसल्ट किया गया, उसने बोला नहीं आपकी ये बहुत मेजर सर्जरी हुई है, तो कम से कम 40 दिन के बाद आपको मैं डेट दे रहा हूँ। तो उसने मुझे एक डेट दी, और जब वो मेरा टेस्ट कर रहे थे तो मेरे नोज के थ्रू उनको लेफ्ट वाले में कुछ नहीं, एक बारीक सी एक वायर अंदर नहीं जा रही थी, तो मेरी जो बोन है वो उसको ब्लॉक किए हुए थी। तो मेरा बोन की जो है कटिंग होनी थी, और उसने बोला कि नहीं ये पूरी आपकी सर्जरी होगी, तो जो भी है आप उसने मुझे डेट दे दी और बोला कि आप इस तारीख को आ जाना। तो जब मैं उस सर्जरी के लिए जाने का, जैसे मैंने कल निकलना है, तो मैं एम्पायर स्टेट में उन दिनों जो है गेट के पास एक बाल्टी और मग्गा रख के संगत के हाथ धुलाए जाते थे, तो मैं वहाँ सेवा में खड़ी थी। और मेरी बेटी मेरे पास आती है कि मम्मा कल हमने वहाँ जाना है, और आप आज गुरुजी से मांगो कि मेरी ये सर्जरी गुरुजी अवॉइड करते हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, तो आप गुरुजी से आज आज्ञा लेते हुए यही मांगना। तो मैंने मन में सोचा कि मैं गुरुजी से क्यों मांगू, तो मैंने इसको, ये मेरे पीछे पड़ गई, कहती है कि मम्मा आपको पता नहीं कि ये सर्जरी कितनी मुश्किल है। मैंने कहा इतनी बड़ी सर्जरी हो गई तो ये क्या मुश्किल चीज है? बोली नहीं मम्मा, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सर्जरी है आपकी। एक तो आपकी बोन ग्राफ्टिंग होगी, फिर आपके अंदर गॉज लगाए जाएंगे, कितने दिन लगेंगे, 2 दिन, ये कुछ घंटे लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप जो है आज गुरुजी को यही बोलो कि मेरी सर्जरी अवॉइड करेंगे आज, तो आपको सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़े। तो मैंने इसको मन में सोचा, इसको मैं कैसे, क्योंकि मैं सेवा में थी तो लाइन लगी हुई थी, तो मैंने इसको बोला अच्छा ठीक है ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे करके बोल दिया। तो फिर जब हम गुरुजी के पास गए, जब गुरुजी की आज्ञा हुई और आज्ञा लेने गए वहाँ, तो गुरुजी कहते हैं फिर आंटी कल जाना है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, ते तैयारी हो गई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने एक पॉज लिया, बोलते हैं अच्छा ऐदा कर आंटी, तू घूमया पहले ना, तू घूमया। मैं हैरान कि परसों मुझे हॉस्पिटलाइज होना है और गुरुजी मुझे कह रहे हैं घूमने के लिए। तो मैंने बोला कि गुरुजी मैं कहाँ घूमाऊँ और किसके साथ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? बोले ले कमली भाटिया अंकल ना और कैदे नाल। इससे पहले क्या होता है कि जब हम आज्ञा ले रहे थे तो लाइन में हमसे दो संगत आगे मदान आंटी खड़े थे, तो वो आज्ञा ले रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हम कल श्रीनगर जा रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला बम खान जाना है, उत्ते तो बम पहनते हैं, उत्ते तो इतना टेररिज्म है। तो बोली कि नहीं गुरुजी, हमारी सारी टिकटें हो गई हैं और बाई एयर जा रहे हैं, तो अब तो खुल गया है वहां पर। कहते खुल गया ना, कोई लोड नहीं है, कोई जान दी लोड नहीं है। तो उनको ऐसे गुरुजी ने बोल दिया। इससे पहले क्या होता है कि हमारे सामने वाले घर में कश्मीरी आंटी आती हैं, और उन्होंने मुझे बताया श्रीनगर का। तो मैंने कहा मेरा बहुत मन है श्रीनगर जाने का, पर वहाँ तो इतनी ट्रबल है। बोली नहीं आंटी, कोई इतनी ट्रबल नहीं है, और मैं तो जाती हूँ और हमारा घर भी है, और आपको चलना है तो आप मेरे साथ चल पड़ो। तो मैंने एक दिन अंकल को बोला कि ऐसे से सामने कश्मीरीज आए हुए हैं, और वो गुरुजी के भी आने लग गए थे। तो मैंने बोला कि हम उनके साथ, मेरी बड़ी इच्छा है श्रीनगर देखने की। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो बम नहीं खाना। और फिर मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, बोले पापा ठीक कह रहे हैं मामा, वहाँ इतना रिस्की है। तो अब गुरुजी दो संगत पहले मदान आंटी को ये बात बोल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि तू घूमया। तो मैं कह रही गुरुजी कहाँ? कहते जा जम्मू श्रीनगर घूमया। इनका है गुरुजी, तो आपने तो मेरे मन की बात कर ली। तो अब मेरे हस्बैंड के पास कोई चारा नहीं, और हम नेक्स्ट डे ही
हम लोग आंटी को लेके, मैं, मेरी बेटी और अंकल चारों बाय रोड श्रीनगर जा रहे। तो हम जम्मू रुके, वहाँ खूब इंजॉय किया, फिर श्रीनगर पहुंचे तो वहाँ चप्पे चप्पे पे आर्मी बिछी हुई थी। हमने जब श्रीनगर के लिए जा रहे थे तो आंटी ने हमको गाइड किया, बोला कि आप पहले, हम श्रीनगर चलते हैं पर रास्ते में पहलगाम आता है, जब वापस आने के टाइम आप पहलगाम जाना और पहले आप ये सारा गुलमर्ग एंड ऑल सब देख लो इधर। तो जैसे उन्होंने हमको गाइड किया हमने वैसे किया और आंटी हमारे साथ थी। तो आंटी को हमने जैसे ही उनके घर उतारा और हम पहलगाम के लिए निकल गए और फिर वहां से हमने वापस आना था। तो हमारी डेली कार थी, डीएल कार थी। तो हम पहलगाम की तरफ जा रहे हैं और एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आ रही है सामने से, और हम बड़े हैरान कि भाई क्या हो रहा है, और सब हमको ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि वापस जाओ वापस जाओ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आर्मी, इतनी आर्मी, सब कुछ। तो अब जैसे एक सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, जैसे आंटी उषा, आंटी उनका नाम है, उनका अभी नाम उषा है, उषा कॉल आंटी, जैसे ही वो हमारे साथ नहीं थी और ऐसे लगा कि कुछ सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट नहीं है, और हम डरने लग गए कि हमें यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती और वो तो बहुत अच्छे से वहाँ के रहने वाले थे। तो अब हमने, मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये इतना पैनिक हो रहा है हर चीज, आप किसी से पूछो, आप कार रोक के। तो उनको पूछा, आर्मी को बोले कि क्या है, बोले कि बम ब्लास्ट हुआ है किसी स्कूल में। तो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, हमने बोला पहलगाम, बोले अब वो तो आप निकल आए हो वहां से, अब फटाफट पहलगाम निकल जाओ। तो हम पहलगाम पहुंच गए, जैसे ही संगत जी हमने टीवी ऑन किया तो वो ब्लास्ट ऐसा था कि खून ही खून, खून ही खून, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। खैर दो दिन हम लोगों को बहुत अच्छा रिजॉर्ट मिला विद रिवर और हमने खूब इंजॉय किया अंदर ही अंदर, शाम भी थे, फिर हमने कहा अब निकलते हैं, तब कुछ शांत हो गया सब कुछ। तो फिर हम जब निकले वहां से, हम थोड़े ही आगे गए, सिंगल रोड थी, और वहां पर गांव वालों ने और हम सबको रोक लिया, वहां रोका, उनके हाथ में इतने मोटे मोटे डंडे, राइफल्स, पता नहीं क्या क्या नहीं था, और आर्मी थी, वो लोग थे, और पूरा रोक के खड़े हो गए हम लोगों को कि बस अभी मार देंगे क्योंकि, और हम इधर देखें पीछे की तरफ, आगे देखें तो सारी J&K की टैक्सियां थी, खाली हमारे ही दिल्ली नंबर था, वी वर ऑन टारगेट। तो अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि और आओ जम्मू कश्मीर। तो फिर मैंने आंखें बंद की, मैंने कहा गुरु जी आपने भेजा, और हम थर थर कांप रहे थे, यू वॉन्ट बिलीव कि लाइक मेरे को तो नहीं इतना डर लग रहा था, बट लाइक मेरी बेटी बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी कि मम्मी ये क्या हो रहा है, बट ऑब्वियस कोई भी डरेगा उस सीन को देखकर, ऐसा सीन था भयानक। तो बस गुरुजी को मैंने याद किया कि गुरुजी आपने ही हमको आदेश दिया था, और 1-1.5 घंटे से हम लोग, 2 घंटे हो गए होंगे शायद, तो हम यहाँ फंसे हुए हैं, गुरु जी कैसे होगा ये। और गुरु जी ने एकदम विदिन सेकेंड्स उन्होंने इशारा किया कि निकल जाओ, उस मॉब ने हमको इशारा किया कि निकल जाओ, हम निकल गए, हम ऐसे जैसे हमारी सांस में सांस आई, और हम पहुंचे वहां डॉक्टर के पास और डॉक्टर को चेकअप कराया, अभी एडमिशन होना है। तो वो बोलता है कि उसने जैसे ही मेरा चेकअप किया कि आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, तो आप किस बात की मैं सर्जरी करूँ, तुम्हारा तो एवरीथिंग इज ओके। तो गुरुजी ने वो 1-1.5 घंटा वहाँ मॉब में हमको रोक के और मेरी सर्जरी जो है अवॉइड कर दी। ये कौन कर सकता है, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी शक्ति हम लोगों की लाइफ में है, वो एक खाली पॉजिटिव थॉट के ऊपर, एक आपका सरेंडर का वाला थॉट था कि नहीं मैंने गुरुजी को नहीं तकलीफ देनी, और गुरुजी ने मेरी वो सेकंड सर्जरी जो है अवॉइड कर दी। ये गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो अब का जो लेटेस्ट सत्संग है वो मैंने एक प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, और बहुत सारे लोगों के मुझे लाइक मैसेजेस आए हैं कि आज हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो ये कैंसर का बहुत बड़ा सत्संग है जिसमें गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया,
और कैसे उन्होंने मेरे को इससे बाहर निकाला, ये एक अमेजिंग सत्संग है। इसका एक वर्ड भी ना मिस करो, क्योंकि किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ये गुरुजी ने बोला है। और कैंसर, गुरुजी ने बोला कुकर मुत्ते वर्गे फैलूगा, तो ये सत्संग एक ऐसा सत्संग गुरुजी ने दिया है कि आप लोग बिलीव भी नहीं करोगे कि ऐसे भी होता है। गुरुजी ने मुझे मेरी लाइफ खींच के मैंने तेरी लाइफ छोटी कर दी करके बोला था। मेरा लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, मेरी 45 इयर्स की मेरी लाइफ थी। गुरुजी ने मुझे लाइफ खींच के मेरी छोटी की, और जब मैं 65 साल की हुई लास्ट ईयर, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आगे क्या, 20 साल आपने मुझे दे दिए, बहुत लंबा पीरियड होता है, अब इसके बाद क्या आदेश है। ये थॉट मेरे को आया दिसंबर में। और इससे पहले क्या होता है कि कोरोना जब शुरू होता है तो बहुत लोगों के मुझे कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि आंटी प्लीज आप सत्संग शेयर करो, और मैं कि नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं आना। बट फिर मैं धीरे धीरे सोचने लग गई कि गुरुजी कि क्या मैं सही सोच रही हूँ कि मुझे ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए, और आपने बोला 7 लाख लोगों को तूने लाना है, तो ये कैसे होगा, क्या मुझे सत्संग करने चाहिए। तो ये सब चल रहा था, तो एकदम मुझे जो है ये थॉट आया कि मुझे 20 साल हो गए गुरुजी, 20 साल की एक्सटेंशन हो गई, आगे क्या। तो हम लोग बाहर घूमने गए हुए थे और मेरे हाथ में एक लंप आ जाता है, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि देखो ऐसे हो गया, उसको मैंने टच कराया, बोली कि कोई बात नहीं मम्मा, इसको देखते हैं अभी, तो ऐसे हो जाते हैं कई बारी। तो हम डॉक्टर के गए, तो डॉक्टर ने पूरा हमारा इन्वेस्टिगेशन करवाई, और संगत जी वो फिर एक क्रिसमस का टाइम था और डॉक्टर सब छुट्टी पे थे, जो भी हमें डॉक्टर मिली, मिल गई फटाफट एक डॉक्टर, तो उसने जो है बोला कि जो टेस्ट में मेमोग्राम और ये सब हुआ, और बोला कि आपके दोनों ब्रेस्ट में कैंसर है और ये 5.5 साल पुराने हैं जो आपके राइट में है। तो बंदा जो है एकदम कैंसर वर्ड सुनते ही इंसान जो है हिल जाता है। इससे पहले 4.5 साल, अब 5 साल हो गए, पहले 5.5 साल हो गए इस बात को, गुरुजी ने मुझे 5 साल पहले दर्शन दिए, और मैं बहुत बीमार थी, और गुरुजी कहीं आए और बहुत बड़ा उनका सत्संग हो रहा है, और कुछ ऐसे लग रहा था बिल्कुल लाइव है, और गुरुजी कहीं बैठे हैं और बहुत सारी आंटियां उनको घेर कर बैठी हैं। तो गुरुजी, मैं दूर खड़ी हूँ, गुरुजी मुझे आवाज़ लगाते हैं, थे आ, मैंने कहा गुरुजी आप कैसे आ गए, हमारे हिसाब से तो गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए थे। तो गुरुजी कहते हैं मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया, तेरी किडनी विच कैंसर है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, चलो गुरुजी ने ये चीज़ बोली और ठीक है हो गया, और मैं ठीक भी हो गई, जो मुझे प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे गले में से खून वून आता था, तो वो सब ठीक हो गया, बात खत्म हो गई। और अब क्या होता है कि ये मेरा ये निकलता है कैंसर, तो फिर मैं उस डॉक्टर ने तो खूब डराया कि ये 5.5 साल पुराना है और आपकी बॉडी में भी ट्रैवल कर चुका होगा, तो आपका सारा टेस्ट होंगे, चलो कोई बात नहीं। तो इधर सब लोग जो है, उस दिन क्या था, 31 को जब हमारी रिपोर्ट्स आई, तो हमारे घर सत्संग था, और कुछ संगत जो है बहुत क्लोज हैं, वो सेवा वगैरह के लिए आते रहते हैं, तो मेरी बेटी काम पे थी, और एकदम डॉक्टर का फोन आता है, जीपी का, कि अगर इम्पोर्टेंट चीज होती है कि भाई प्रॉब्लम है, तो वो एकदम कॉल करके बुलाते हैं कि आप एकदम आओ। तो वहाँ जो भी संगत थे, तो उनके साथ मैं गई, तो उन्होंने बोला आपको कैंसर है, और फिर जो भी चीजें हुई, डॉक्टर मिली और उसने ऐसे ऐसे सब चीजें की। तो हम लोग, उन संगत को पता चला, सब रोने लग गए, मेरे घर में भी पता चल गया, मेरी बहू को, बेटे को, हस्बैंड को, और एक मंजोत अंकल हैं। और फिर उस दिन मेरी बायोप्सी भी हुई थी और मैं लेटी हुई थी, और 4 जगह से उन्होंने बायोप्सी की मेरी, 4-4 दोनों जगह से। तो
फिर सब लोग बहुत तकलीफ तो होती है बायोप्सी में, डॉक्टर भी बोलने लग गया कि इट्स पेनफुल बट यू हैव टू बेयर इट एंड ऑल. तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम. तो उसने बोला जैसे हम कट लगाएंगे 1 2 3 4 बोलेंगे और कट लगेगा ऐसे ऐसे करके. और मुझे विद गुरुजीज ग्रेस कुछ भी नहीं हुआ. और उसमें मैं सिस्टर्स तक वहाँ नर्सेस जो भी थे सब मेरे को पकड़ के खड़े थे और बोले कि यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी स्ट्रांग, आपने तो उफ भी नहीं करी. और इतनी मुश्किल होती है ये वाले कराने के लिए, ये गुरुजी ही करा रहे थे, गुरुजी ही बुलवा रहे थे, ये सब होता रहा. फिर यहाँ मैं बेड पे जो भी 7-8 संगत को पता था घेर के खड़े हैं, उधर से वीडियो कॉल चल रही है इंडिया में और सब रो रहे हैं एंड ऑल. मैं कह रही क्यों रो रहे हो, रोने वाली कौन सी बात है, मैं 65 साल की होगी, 66 की मेरी मैं 66 में हूँ, जो भी है आई एम वेरी हैप्पी, आई हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ, और क्या है इसमें, इतना क्यों सब लोग रो रहे हो. तो वो एक थॉट था जो गुरुजी ने दिया. और फिर मंजोत अंकल हैं जो बहुत ज़्यादा इनटू गुरबानी है और हमारे घर भी आते जाते हैं, वो वीडियो कॉल पे थे. मैं बेटा रो रहा था कि मुझे यहाँ बुलवा लो, और डॉक्टर बहुत ही रश कर रही थी कि सर्जरी कर देंगे अभी, तो मुझे कैसे भी बुलवा लो, आ नहीं सकता था कोई भी यहाँ पे. तो फिर मंजोत ने बोला देखो भाटिया आंटी नू सारे रो रहे हैं सी आप, और वो सारे नु चुप करा रही है, इतने उल्टी उल्टी गल हो गई, आंटी रो रही होंगी असी चुप करा रहे होंगे ताते गलबंदी सी, इतने पुट्ठी गल हो गई, इतने आंटी तो सो ब्लेस्ड, आंटी पता नहीं किस किस का कष्ट लेके बैठी है एंड ऑल, तो कोई नहीं रहूगा हूं तो. और वही वही हुआ, मैंने सबको बोला कोई आगे नहीं बोलेगा किसी को कुछ नहीं, जो भी है वो मेरी और गुरुजी की जर्नी है. तो मैंने सबको काम किया, गुरुजी ने कराया और ये सब हुआ. फिर एक दिन ऐसे ही मैंने मंजोत को बोला कि मंजोत क्यों ना हम सेकंड ओपिनियन ले, ये डॉक्टर तो बहुत रश कर रही है. तो बोलता आंटी साडा तो ब्रेन ही सुन होया पे ऐसी, ए चंगी गल कीती तुसी. तो उसको कोई एक 20 साल से सर्जन था, वो बंदा उसके बड़े क्लोज था, और उसने उसको फोन किया और उसने हमको डॉक्टर एंथनी हयात करके 23 ईयर ओल्ड का उसका एक्सपीरियंस था उसके पास भेजा. उसने पूरा गो थ्रू किया मेरी सारी रिपोर्ट्स, फिर वो कहता है कि कैंसर आपका 5.5 साल पुराना है, नो डाउट बॉडी पार्ट्स में भी गया होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, पर वो अभी क्लियर नहीं है. बोला कि लिम्फ नोड जो है वो मुड़ी हुई है आपकी, इट्स वेरी अनयूजुअल, जो होती नहीं, और यहाँ का बेस्ट पैथोलॉजिस्ट है जिसने लिखा है इज नॉट क्लियर. जब लिम्फ नोड इज नॉट क्लियर तो बॉडी पार्ट में ये आई डाउट कि अगर लिम्फ नोड में कैंसर है तो बॉडी पार्ट में जाएगा. धीरे धीरे करके चीजें बहुत चेंज होने शुरू हो गई, लाइक फिर से बायोप्सी हुई और वो लिम्फ नोड तक भी नहीं गया था संगत, 5.5 साल पुराना कैंसर, ये कौन करा सकता, गुरुजी के अलावा कोई नहीं करा सकता. फिर खैर फॉर मेरे सारे टेस्ट हुए, जब मेरा एक मीटर टेस्ट हो रहा था और उनको नर्व टेस्ट था, वो उनको मेरी नर्व नहीं नस नहीं मिल रही थी और मोटी नस चाहिए थी, और मुझे एक संगत फैमिली लेके गई उस दिन. तो उन्होंने भावना को बोला तुम काम रहो और आंटी के साथ हम जाएंगे. और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि उसको गुरुजी ने आगे नहीं आने दिया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता सबके लिए. तो वो मुझे लेके गए और उस दिन एक जगह सत्संग था, और वो आंटी जो हैं बार बार वो हीना आंटी हैं, उनके घर में सत्संग थर्सडे को होता है, तो उन्होंने नया घर शिफ्ट किया था और उनका आया था 7th को, आपने हमारे यहाँ उस 7th को थर्सडे था सत्संग पे आना आंटी. तो उन्होंने जो मुझे ले जाने वाले थे उनको भी किया, और उस दिन मेरा टेस्ट था, तो बोले कि हम आपको सिटी से ले लेंगे. और जहाँ टेस्ट था तो मेरे को एक और फैमिली लेके गई थी, ऐसे जिनको भी पता था इन्हीं लोगों को, हिना को कुछ नहीं पता था, और वो मुझे लेके गई. तो जो लोगों ने मुझे लेके जाना था उनके फोन आ रहे हैं, बोले कि वेरी डिफिकल्ट, आंटी का तो 5 जगह से वो प्रिक कर चुके हैं और उनकी नासी नहीं मिल रही है, और आंटी तो बहुत ही
तकलीफ में होंगी, और उन आंटी को भी डॉक्टर्स ने बाहर भेज दिया कि आप बाहर जाओ, फिर उनका आगे टेस्ट होना इतना मुश्किल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आंटी नहीं आ पाएंगी, आप लोग जाओ। उन्होंने खुद से ही उनको मना कर दिया, चलो बात खत्म हो गई। और इट वॉज वेरी पेनफुल ऑल्सो, दो खैर विद गुरुजी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे अंदर रहना था 45 मिनट्स, मेरी फुल बॉडी का पेट स्कैन हुआ, और उसमें मेरे हाथों को एक सीधी पोजीशन में रखना था, एक मुझे हिलना नहीं था, हाथ बिल्कुल ही हिलना चाहिए था, और नस से मेरे अंदर कुछ वो सीरप डाल रहे थे, और मुझे कहाँ 45 मिनट्स गए मुझे पता ही नहीं चला। और मैं मुझे गुरुजी ने एक स्वरूप के दर्शन भी दिए उस समय अपने, जबकि मुझे कभी नहीं होते हैं ऐसे, और बस मैं काम हो गई। और 45 और एक उन्होंने मुझे एक स्कूटर भी पकड़ाया कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको दबा देना। और उस 45 मिनट्स में गुरुजी हर समय हमारे साथ हैं, बट वो स्ट्रॉन्गली आई फेल्ट हिज प्रेजेंस, और मुझे एक बार भी नहीं दबाना पड़ा। वो इतने हैरान हुए कि आपने वन अटेम्प्ट में थ्रू किया, यहाँ तो पता नहीं कितने होते हैं। तो गुरुजी ने इतने मुश्किल मुश्किल टेस्ट भी मेरे ऐसे निकलाए। तो अब मैं घर आ गई, और मंजोत अंकल का आता है फोन कि आंटी मैं 8 मिनट अवे हूँ आपसे, और मैं आपको हीना के घर ले जा रहा हूँ, जबकि मंजोत अंकल भी वहाँ नहीं जाते। तो हीना का वहाँ मंजोत अंकल को फोन गया कि आज भाटी आंटी को लेके आना, जबकि उसको कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा हाँ मंजोत, नो प्रॉब्लम, मैं चलती हूँ। बोले कि अब तो सत्संग शेयरिंग का टाइम होगा और आरती का टाइम होगा, तो आप चल लो, ज्यादा लंबा भी नहीं आपको बैठना होगा, और हम लोग जो है वहाँ चल पड़े। और उसका घर भी नियरली 45 मिनट्स था, और हमने आरती की, मंत्र जाप किया, और सीधा मैंने सत्संग शेयरिंग की, और नियरली 40 मिनट्स तो मैंने की होगी उस हालत में, और मेरे जगह जगह चिपकियां लगी हुई हैं, और मैंने फुल स्लीव की पहन ली कि किसी को पता ना चले, बट हाथ की नहीं छुपा पाई। तो लोगों को लगा कोई टेस्ट करा के आई आंटी। तो उसके बाद जो लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए, आंटी आज का सत्संग वॉज वेरी डिवाइन, और आज तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी आपकी आंखों में आए हुए थे, यू वर ग्लोइंग। तो इतने मुश्किल टेस्ट के बाद अगर आप उसे गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं और यू आर गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्स, तो ये क्या है? तो ये गुरुजी का एक तरीका था कि गुरुजी ने मुझे पता ही नहीं लगने दिया। और यहाँ वीक में दो दो तीन तीन सत्संग होते थे, और हर सत्संग में हर समय वैसे ही कॉम्प्लीमेंट देती थी संगत, बट कुछ ज्यादा ही मिलने लग गए, और मैं इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम से निकल रही थी। तो ये गुरुजी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और मैं मुस्कुरा देती, आंटी आप तो आज बहुत सुंदर लग रहे हो, आज यू आर ग्लोइंग, आज पूरे औरा था गुरुजी का, ये था वो था, इस तरह से गुरुजी बुलवाते रहे। तो संगत जी, मैं गुरुजी का इतना कर्ज है मेरे ऊपर कि मैं उसको कैसे उतारूंगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये सब चलता रहा, फिर धीरे धीरे जो है डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स दे दिए कि आप एक गोली खाओ और विल कि चेक करेंगे कि आपका ये क्या शेप लेता है। धीरे धीरे वो हाफ हो गया, और अब तो मंजोत कहने लग गया कि गुरुजी तो ये बहुत बड़ा सत्संग बना रहे हैं, और आपका तो अब सर्जरी भी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, मेरी सर्जरी तो होगी, और वो भी मेजर होगी, चाहे जो भी हो रहा है वो गुरुजी की ब्लेसिंग से हो रहा है, और मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट का तो बिल्कुल ही ये हो गया कि उसमें कैंसर नहीं है, 2 ट्यूमर्स हैं बट वो बेनाइन है। तो धीरे धीरे चीजें इतनी छोटी होने लग गई जो इतनी बड़ी थी। तो ये क्या था? ये गुरुजी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सब होता रहा, और फिर मेरी सर्जरी का दिन आ गया, मेरा 16th of April सर्जरी का दिन था। तो मुझे क्या था कि वहाँ पर इन लोगों ने मुझे वो देना था, एक डाई देते हैं कि जिससे कि जहाँ जहाँ लिम्फ नोड को निकालने होते हैं, 2-3 लिम्फ नोड अगर नहीं भी है तो भी निकालना, एक प्रोटोकॉल था कि जिससे कि अगर 19-20 भी डाउट हो कहीं भी किसी भी सेल में हो तो वो भी डाउट खत्म हो जाए। तो
उसके लिए ब्लू डाई देते हैं जिससे कि लिम्फ नोड वो हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और जहाँ कैंसर सेल्स होते हैं वो उन पे कलर चढ़ जाता है। तो जैसे ही मुझे ये लोग डाई दे रहे थे और मेरे ब्लड में वो रिएक्ट कर गई डाई, ये 16 अप्रैल की बात है, रिएक्ट कर गई तो मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है ड्रॉप कर गया, 85 पे आ गया, और ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही थी, और मैं तो अनकॉन्शियस हो चुकी थी क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया दिया जा चुका था, पर अभी मेरी सर्जरी नहीं हुई थी। तो मुझे वो एकदम इतना घबरा गए कि एनेस्थेटिक ने हाथ खड़े कर दिए और सर्जन ने भी, और मुझे वहाँ से शिफ्ट किया गया जहाँ पे एम्बुलेंस के थ्रू, जहाँ हाईटेक इनका ICU था, मुझे वेंटिलेटर पे डाला गया क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, ऑक्सीजन लेवल और ड्रॉप हो गया, और ये ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होना मीन्स इट्स अ बिग थिंग। तो मुझे 9 घंटे के बाद, 9 या 10 घंटे के बाद होश आती है, और मैं मेरे सुई वो ट्यूब ही ट्यूब लगी हुई है मेरी पूरी बॉडी पे, और मैं पूछती हूँ कि डॉक्टर सामने खड़ा है, इतना बड़ा डॉक्टर पूरे टाइम वहीं रहा, और मैं बोलती हूँ मेरी सर्जरी हो गई, वो कहता है नहीं, कहता है डोंट थिंक अबाउट योर सर्जरी, यू आर विद अस, यू आर अलाइव, यू गॉट अ न्यू लाइफ, दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई एम। और वो इतना घबराया हुआ था, बार बार अपने कानों को हाथ, नो मोर डाई फॉर यू, नो मोर डाई फॉर यू, सी आई गॉट माई, ऐसे सिर पे हाथ उंगली मार मार के, आई गॉट माई हेयर ग्रे टूडे, आई गॉट पैनिक, द एंटायर यूनिट गॉट पैनिक, यू आर सर्वाइव, इट्स द बिगेस्ट थिंग, एंड डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, सो यू आर सेव्ड, यू गॉट न्यू बर्थ, ऐसे करके वो बार बार एक पागल के जैसे रिपीट करता रहा। मैं वहाँ 2 दिन रही, जैसे मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई और यहाँ पे सत्संग रख दिया मैंने, गुरुजी ने रखवाया, तो मुझे फिर लोगों ने समझाया कि आंटी क्या कर रहे हो आप, सत्संग तो हुआ उस दिन, और उस दिन भी लोगों ने बोला आंटी यू आर ग्लोइंग, मैं हैरान ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो मेरा पूरा चेहरा, क्योंकि डाई मेरे फेस पे भी आ चुकी थी, सब जगह आ गई थी, तो और डाई निकल गई 2-3 दिन बाद, तो जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई, बट फिर भी इतनी बड़ी ट्रॉमा से निकल के आई हूँ और फिर भी लोग यही बोल रहे हैं, ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं था, ये ऐसे नहीं होता। और सत्संग शेयर करवाया गुरुजी ने, फिर मुझे सबने समझाया कि आंटी आपकी फिर सर्जरी होनी है, अभी मेजर सर्जरी है, और आप अभी नहीं सत्संग रखो क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस हैं आपको। खैर एक दो जगह सत्संग हुए, मैं वहाँ भी गई, गुरुजी ने भेजा मुझे, मैं इस चीज़ में नहीं बिलीव कर रही थी, हाँ मेरे घर नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ, जो वीकली वीक में कई बार 2 बार भी होते थे सत्संग, तो यहाँ नहीं हुए 3-4 हफ्ते, पर गुरुजी ने एक दो सत्संग और अटेंड करवाए। फिर उसके बाद 14 मई को इन लोगों ने मेरी सर्जरी प्लान की। तो मेरे हस्बैंड ने क्वेश्चन किया मुझे गुरुजी ने एक पेंडेंट दिया था विद चेन, जो मेरे बिल्कुल नेक के ऊपर ही आता था, इट वाज वेरी बिग पेंडेंट और बारीक सी उसकी सिल्वर चेन थी, और 2-3 बार वो टूटी, उस पर टांका लगा, जबकि सिल्वर की इतनी पतली चेन पे टांके नहीं लगते, तो पर वो गुरुजी की मर्जी थी, वो 7 साल मेरे गले में रहा, और वो इतना लाइक ब्लेस्ड पेंडेंट था, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, और उससे पता नहीं क्या क्या नहीं सत्संग हैं उसके ऊपर, बहुत सत्संग हैं, वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। तो और सब लोगों को ज़्यादातर रितु कपूर आंटी हैं, और उनको तो एक एक चीज़ मेरे साथ घूमती थी तो पता था, फिर कोई भी बीमार होता फट उनका फ़ोन आ जाता, कोई ICU में है, कोई घर में है, कोई कहाँ है, क्रिटिकल है, तो आंटी के चलो आंटी सत्संग शेयरिंग करनी है, और फिर मुझे ले जाती थी उस पेंडेंट से, काफ़ी लोग जो हैं मैंने ठीक होते देखे, लाइक क्रिटिकल से क्रिटिकल, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ICU में थी और वेंटिलेटर पे थी, और उसका कोई होप नहीं थी, डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया 20% भी नहीं है, और वो पेंडेंट उसको माथे पे लगाया, और वो आज जिंदा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, कृपा है।
वो मेरे हस्बैंड ने बोला तू साथ में क्यों नहीं ले गई। मैंने कहा ये ना ऑस्ट्रेलिया है और पेंडेंट ऐसे नहीं ले जा सकते, गुरुजी तो मेरे साथ थे। तो बोले ऐसे नहीं होता, तुमको ले के जाना चाहिए था। तो खैर इस बार मैं पेंडेंट ले गई अपने बैग में। तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप अटेंड करते हैं आपको। फिर उन्होंने मेरा सारे बिलोंगिंग्स मेरे जो हैं एक बैग में सील कर दिए, और मेरे हाथ में रेड कलर का पाउच है और गुरुजी का पेंडेंट है, और वो देख रहे हैं सब लोग, किसी ने नहीं टोका मुझे। मैं ओटी में आ गई, ओटी टेबल पे हूँ और मेरे हाथ में वो पेंडेंट है। एनेस्थेटिक भी आ गया, सर्जन भी हैं, उससे पहले भी मुझे वहाँ मिल गए थे, तो वो देख रहे हैं। अब मैं कहूँ वो मुझे बेहोश करने लगे हैं और मेरे हाथ में ये कहीं इधर उधर हो गया पेंडेंट, तो क्या हो गया और क्या हो जाएगा। तो मैं इस टेंशन में कि गुरुजी का पेंडेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो मैंने अपने सर्जन को बोला कि कैन यू टच हिम, ही इज माई गुरु। बोलता है यार वाई नॉट, और उसने एकदम मेरे हाथ से पेंडेंट लिया और अपने हाथ में होल्ड किया। फिर मैंने कहा मुझे दे दो वापस, तो उसने मैंने कहा वो कहता है व्हाट यू वांट एंड डू यू वांट शैल वी कीप इट अंडर योर पिलो। मैंने कहा इज इट पॉसिबल, कहता है या। देन फिर एकदम कहता है व्हाई शुड वी कीप इट अंडर योर पिलो, विल कीप इट बिसाइड यू। और उसने फटाफट वहाँ इशारा किया और फटाफट टेप आई और मेरे बिल्कुल सराहने गुरुजी का पेंडेंट फेस के पास, और मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद जो है कहते हैं कि वो तो जंपे लगा रहा था सर्जन की सर्जरी वाज 100% सक्सेसफुल। और उसने फिर मुझे बताया कि जब जब मैं वहां से डिस्चार्ज हो गई, और पेंडेंट भी उन्होंने ऐसे संभाल के रखा संगत जी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में अंग्रेजों ने उसको इतनी रिस्पेक्ट के साथ रखा। और सब कुछ उन्होंने एक सुंदर सा उसको मैं पाउच था उसमें सुंदर से बैग में डाला, और जब मैं मुझे होश आई तो वो मेरे बिल्कुल सामने जहाँ ड्रिप लगी होती है वहां लटक रहा है। सो इट्स लाइक कैसे पॉसिबल है ये चीजें, ये गुरुजी हैं जो कराते हैं ये सब कुछ। और फिर उसने मुझे जब मैं फोर्थ डे डिस्चार्ज होके वहाँ गई डॉक्टर के पास, जब मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, तो वो मेरे को भावना ले गई। तो डॉक्टर कहता है लुक एट योर मॉम, शी इज लुकिंग सो गुड। तो कहते हैं कि यहाँ पे 6-6 हफ्ते 8-8 हफ्ते बाद भी लेडीज आती हैं इतनी बड़ी सर्जरी के साथ, तो लाइक वो इतनी स्माइलिंग नहीं होती और लाइक योर मॉम, तो शी इज वेरी ब्लेस्ड। तो ये वर्ड्स गुरुजी सुनवा रहे थे इन सब से। और जब मैं हॉस्पिटल में थी सर्जरी के बाद, तो उसमें क्या होता है कि ये सर्जरी इतनी इजी नहीं होती, इसमें दो आपको ट्यूबें लगाते हैं उससे ड्रेन आउट, क्योंकि मेरा लिम्फ नोड भी निकाले थे, एक लिम्फ नोड से कनेक्ट करते हैं और दूसरी जो है ब्रेस्ट में जहाँ सर्जरी हुई उससे, तो उसमें जो है ब्लड आता है, ब्लड और पस जो भी होती है वो निकलता है, एक बैग में जाता है। दो ट्यूबें थी तो दो बॉल्स थे, पहले बॉल में जाता है, फिर वो डेली उसको 24 घंटे के बाद उसको प्रेस करके बैग में नापते हैं कि आज कितना निकला। तो वो जब मेरे को डिस्चार्ज हो रहा था, तो एक संगत फैमिली जिनको पता था वो आई हुई थी, जो मुझे बहुत डिफिकल्ट टेस्ट में भी ले गए थे, हालांकि उनके हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते, बट गुरुजी ने उनसे इतना करवाया और पूरी फैमिली मानती है गुरुजी को, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो लोग गुरुजी से, दोनों बच्चे वाइफ, पर हस्बैंड नहीं मानते। तो वो जिस दिन मुझे डिस्चार्ज करना था नेक्स्ट डे, उससे पहले वो मेरी बेटी को सिखा रहे थे इसको हम कैसे आपने हैंडल करना है, ये ट्यूब साथ में जाएंगी, हफ्ता 10 दिन लगेंगी तुम्हारी मॉम को, तो इसका रोज चार्ट बनाना है ऐसे करके कि डेली कितना डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड एंड जो भी था। तो वो ब्लड था एक बैग में भरा हुआ था, तो दोनों बैग्स में, तो जैसे ही मेरी बेटी ने देखा वो फेंट हो गई वहां पे। तो अब सारे पैनिक हो गए कि लाइक, फिर बोले कि ये तो डेंटिस्ट है तो रोज खून में होती है। फिर एकदम उसको रिकवर कराया उन्होंने और वो बोलते हैं कि ये मॉम का था इसलिए। तो फिर वो जो अंकल थे उन्होंने बोला डेली ये मैं आऊँगा करने इसको, कि भावना नहीं करेगी इसको। एंड संगत जी ऐसे कैसे होता है, इतना गंदा काम था वो, और वो डेली आते थे मेरे
उसको वो ड्रेन करके नाप के लिख के पूरा उन्होंने वो काम किया। हालांकि उनके हाथ में प्रॉब्लम थी, और वो जो बॉल होता है प्लास्टिक के, वो इतने हार्ड होते हैं कि उनको ऐसे अच्छे से प्रेस करके उसका पूरा बैग में डालना होता है, और वो ही डिड इट। तो ये कौन करा सकता है, गुरु जी के अलावा कोई नहीं करा सकता। कैसे गुरु जी ने मुझे हिम्मत दी, और द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन मेरी सर्जरी हुई है, और मुझे वो बोल रहे थे कि बेड पे ही देते हैं आपको बेड पैन, तो मैंने बोला नहीं, मैं तो बाथरूम जाऊंगी, तो मैं वॉशरूम ही जाऊंगी। और मैं वहां गई, और वो हैरान, सारी वहां पे जो हैं नर्सेस सब हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो इतना बड़ा बैग उठा के विद टू ट्यूब्स मैं जा रही हूँ। और उस दिन तो मैं नहा के आई थी, भावना ने मुझे बोला मम्मा सिर धो के ही जाना, और संगत ही मुझे हॉस्पिटल लेके गई 6 बजे सुबह सुबह। तो ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं करा सकता। और कैसे संगत मेरे साथ खड़ी रही, कैसे मुझे गुरुजी ने हिम्मत दी, और पहले दिन ही मुझे खड़ा कर दिया। मैं खुद से वॉशरूम गई हूँ, बाथरूम गई हूँ। नेक्स्ट डे मैंने बोला मैंने शावर लेनी है, वो हैरान बोले नहीं स्पंज के लिए वो लोग आए। मैंने कहा नहीं मेरे को तो शावर लेनी, बोले अच्छा हम कराते हैं। मैंने कहा नहीं मैं अपने आप से करूंगी, मुझे, मैं चेयर पे जाके बैठी, बोले अच्छा बैग तो वॉश कर दें आपकी, मैंने कहा हाँ वो कर दो। और संगत जी यू वॉन्ट बिलीव, थर्ड डे फोर्थ डे आई वॉज डूइंग माई जॉब, मैं अपने आप से उठ रही हूँ कर रही हूँ, और चाय वाय सब अपने आप से करने लग गई थी मैं। ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं करा सकता। फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो राइट हैंड है में हुआ है, और आपका राइट हैंड जो है पत्थर का हो जाएगा और उठाना मुश्किल होगा। और फिजियोथेरेपिस्ट आई, एक ही दिन आई वो, क्योंकि मुझे पता था योगा का थोड़ा सा, मुझे, मैं करती थी लाइट योगा, तो मैंने उसको ही बताया कि हाँ मुझे मालूम है मुझे क्या क्या करना है। तो बस उसके बाद वो आई नहीं, बोले यू नो एवरीथिंग। और मैं, और ये बताया गया मुझे डॉक्टर ने कि आपका ये वाला हैंड जो है हैवी हो जाएगा, और कपड़ों का साइज भी आपको नहीं फिट आएगा, और आपकी रिस्ट, आपकी फिंगर्स जो हैं सब बड़ी हो जाएंगी। बट विद गुरुजीज ग्रेस मेरा ना तो कपड़ों का साइज चेंज हुआ, ना मेरी रिस्ट में कोई स्वेलिंग आई, ना मेरी फिंगर, सेम रिंग्स जो है आज मैंने पहन के देखी है, और वो मुझे वो आ रही है। ये कौन करा सकता है। और मेरा हाथ भी पूरा जो है, फिर ऑनकोलॉजिस्ट के पास जाना था, अपॉइंटमेंट थी, तो वो बोलती है अरे तुम्हारा हाथ तो पूरा ऊपर जा रहा है, इट्स लाइक क्या, इट्स वेरी स्ट्रेंज। और संगत जी ना मुझे गुरु जी ने, फिर मेरी सर्जरी इतनी सक्सेसफुल गई, और जो डॉक्टर घबराया हुआ था कि अब लिम्फ नोड में जो है और कैंसर सेल्स में डाई नहीं होगी, तो ये जो है करना बहुत मुश्किल सर्जरी होगी, और 4 हफ्ते बाद भी वो नीले थे, ये डॉक्टर कहता इट्स नॉट पॉसिबल। उसने खुद बोला कि ये कैसे पॉसिबल था कि 4 हफ्ते बाद भी उसमें पूरे डाई मार्क्स थे, जो कि 2 दिन में निकल जाते हैं। ये कौन करा सकता है, ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं करा सकता। ना मेरी कीमो हुई, ना मेरी रेडिएशन हुई, और ना मुझे और भी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। अब मुझे जो है डॉक्टर ने बोला कि 4 महीने के बाद आना। तो ये मेरे गुरुजी के अलावा और कोई नहीं है, ये गुरुजी ने ये सत्संग करा के, और ये काट काट के, एक पॉजिटिव थॉट था जिसमें गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी बीमारी चुटकियों में निकाल दी। तो एक दिन जब मेरे हस्बैंड दिन रात फोन करते रहते थे, बच्चे करते रहते थे, तो मुझे कहते हैं कि तू फोन उठाने में क्यों, अभी मुझे 10 दिन भी नहीं हुए थे, टाइम लगाती है। तो मैंने कहा कोई मजाक हुआ मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हो, क्योंकि उस समय मैं वो बैग्स को लेके और वो ट्यूब्स को लेकर चलती थी। तो मैंने कहा इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, कोई, कहते हैं मजाक ही तो हुआ है। तो अभी मुझे वो लगना है, डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी तो फ्लाइट्स भी नहीं है, कि मैंने कहा मुझे इंडिया जाना है, तो बोला कि हमने इतनी मेहनत की आपके ऊपर, तो पहले आप 2 इंजेक्शन लगवा के कोरोना के, तब आप जा सकते हो, उसमें आपको 3.5-4 महीने लगेंगे, कि पहला लगेगा, फिर 3 महीने बाद लगेगा, फिर उसके 15-20 दिन बाद यू कैन ट्रैवल। तो
मैंने अपने उनको बोला जो गुरु जी की संगत है कि मुझे इंजेक्शन लगवाना है, तो कहते हैं नहीं नहीं आप तो फॉरनर हो, आउटसाइडर हो, आपको थोड़ी लगेगा, पहले पहले यहाँ के लोगों को लगेगा। तो मैंने कहा कि नहीं मेरे को तो, मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ, तो उस ग्राउंड पे मुझे तो लगना चाहिए। तो कहता आप कैंसर पेशेंट कहाँ हो, आप तो बिल्कुल ठीक हो। सो ये क्या है, इसको क्या कहोगे संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, और ये सत्संग सुनवा के गुरुजी पता नहीं कितने लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। उसके बाद कितने लोगों के मेरे को मैसेजेस आए कि आंटी शोधी हरे चाहिए, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। वो अंकल की ड्यूटी लग गई वहां से, वो सबको भेज रहे हैं लाइक। और फिर आंटी, एक आंटी को बहुत सारों का आया कि आंटी को कैंसर है, वो रोई जा रही हैं, वो आपसे बात नहीं कर पा रही, उनके बिहाफ पे हम कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि आंटी सत्संग सुनो और आंटी को बोलो रोए नहीं, ये गुरुजी पे छोड़ दे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अब गुरुजी पे छोड़ दो चीजें, फिर देखो गुरुजी क्या करते हैं, क्योंकि वो भी तो कुछ चाहते हैं हम लोगों से। अगर आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ गुरुजी को याद करते हो, गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हो, तो चीजें कैसे सिंपल हो जाती है। ये सत्संग का, आज का सत्संग का यही शुक्राना है कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। पहले गुरुजी अपने शरीर पर लेते थे, आज गुरुजी एक टाइम में पता नहीं कितने कैंसर, उस समय भी करते होंगे, तो अब तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। इट्स लाइक, तो हम चीजें क्यों नहीं छोड़ते उनके ऊपर, हम क्यों पैनिक हो जाते हैं। तो इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं, कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। आप इस गुरुजी का जो है, ये इतना बड़ा सत्संग गुरुजी ने दिया और बुलवा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या मैं उनसे मांग सकती हूँ। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या कटवा के क्या कल्याण किया ये उनको पता। और कट देखोगे तो आप लोग हिल जाओगे कि इतना बड़ा था और कहने को कुछ भी नहीं था। और मैं एक हफ्ते के अंदर वॉक भी कर रही थी बाहर, एक हफ्ते क्या, उससे पहले ट्यूब्स उठा के वॉक करती थी। तो यहाँ पर एक, सारे ऑजी हैं इधर, ऑस्ट्रेलियंस ही हैं, नेक्स्ट डोर लेडी है। तो जब ट्यूब्स के साथ मुझे देखा उसने, तो उसकी भी सर्जरी हुई थी कैंसर की, तो कहती है आई कैन इमेजिन आई वेंट थ्रू दिस हेल। तो मैंने कहा नो आई एम ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो फिर वो देखती है यहाँ पर कि सत्संग होते हैं, कहती है हाँ, या यू डू लॉट ऑफ मेडिटेशन, दैट्स व्हाई यू आर वेरी पॉजिटिव। अभी एक हफ्ते पहले मुझे मिली, मैं वॉक कर रही थी, तो कहते हैं योर चीक्स आर ग्लोइंग। तो मैं, मुझे हंसी आई, कहते हैं लाइक पिंक चीक्स यू गॉट, ये वो, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने लग गई कि यू आर वेरी ब्लेस्ड। तो ये सब गुरुजी करवाते हैं। तो इतने बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी गुरुजी अगर ये सब कुछ करवा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मैं क्या गुरुजी से मांग सकती हूँ। उसको, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को गुरुजी ने इतना छोटा किया कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और एक और आज शायद गुरुजी यही बुलवा रहे हैं कि क्योंकि आज हम सब बहुत तकलीफों में हैं, आज हेल्थ के ऊपर ही सत्संग हो रहे हैं, तो मैं अपने ब्रदर का एक सत्संग शेयर करूंगी। उसका जो है, जब मैंने बताया कि 4.5 साल पहले मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे, तो वो टाइम पे मैं ऑस्ट्रेलिया में ही थी, और मेरे ब्रदर को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा उठ के हमारे घर आता है, अपनी फैमिली को ना बता के मेरे को ही डिस्कस करता है, या मेरी बेटी से अगर उसको कोई हेल्थ इशू है तो वो उससे डिस्कस करता है। तो वो फोन आ रहे थे उसके, तो भावना थोड़ी बिजी थी तो नहीं अटेंड कर पाई उसकी कॉल। फिर आया, फिर मामा के ऐसे 2-3 कॉल आ गए। मैंने कहा हाँ बेटा, उसको कोई प्रॉब्लम होगी तभी तेरे को कॉल आया, तो तुम एक दिन कर लेना उसको फ़ोन टाइम निकाल के। तो फिर उसने फ़ोन किया, तो मैं थोड़ी इधर उधर थी, तो बोला नहीं मैंने मम्मी से बात करनी है।
बोले कि मम्मी तो अभी पास में नहीं है, मैं उनसे फोन कराऊंगी। फिर मम्मी कब आ रही है? तो उसने बताया 3-4 दिन में मम्मी की फ्लाइट है। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, तो कितने बजे फ्लाइट लैंड होगी ना, उसने डिटेल ले ली, बात खत्म हो गई। जैसे ही मैं वहां आई तो ये आ गया और चुप करके बैठा था और बोल नहीं पा रहा था। तो मैंने इसको पूछा कि, मैंने कहा कि पप्पू तेरे को, उसको मैं पप्पू बुलाती हूँ, कि क्या प्रॉब्लम है? तो ये एकदम रोने लग गया, कहता प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहता है मेरा मुंह खोलो और आपके हाथ में मोबाइल है और मेरी पिक्चर्स लो दोनों चीक्स की। तो मैंने इसकी पिक्चर ली तो संगत जी, मैं तो ऐसे हो गई जैसे उसमें पस थी, ब्लड थी और खून खून, पता नहीं क्या क्या था। तो वेरी बैड। तो मैंने कहा ये क्या है? कहता है 6 महीने से है। और फिर उसने एक अपनी शर्ट निकाली, एक पिलो कवर निकाला कि ये देखो इसको देखो, और वो खून से भरे हुए थे। वो पता नहीं कब से थे कि मुझे ऐसे ब्लीडिंग होती है यहाँ। तो मैंने कहा तुम ऐसे कैसे बैठे हो फिर? तो कहता है मैंने किसी से शेयर नहीं किया और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने उसी समय अपनी बेटी को, ऑस्ट्रेलिया में उस समय रात के 1:30-2 बजे थे शायद, तो उसको पिक्चर्स भेजी, वो देख के घबरा गई। उसने फिर बोला कि मामा को ऐसे पारस हॉस्पिटल ले जाओ, कल मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। क्योंकि इंडिया में तो अभी रात थी और वहाँ आधी रात थी, टाइम डिफरेंस है। तो एकदम कहता है मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, और क्योंकि इसको गुरुजी ने दर्शन दिए थे, वहाँ हॉस्पिटल से भागने को बोला था। तो वो गुरुजी की वो आदेश को दिमाग में रख के कि मैं किसी भी कीमत में हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, तो उसको किसी फिर सर्जन के पास भावना ने अपॉइंटमेंट ले दी। तो नेक्स्ट डे मैं और मेरे ब्रदर और मेरे चाचा जी का लड़का, हम तीनों उसके पास गए। तो बोला कि क्या प्रॉब्लम है? तो मैं उसको वो दिखाने लगी अपना मोबाइल की, देखो इनके, कहता नहीं मैं मुंह मैं खुद देख लूंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे गड्ढे हैं, पस है, खून है और बहुत बुरी हालत है। तो मैं पीछे बैठ गई, ये बैठा था, उसको चेकअप हो रहा था, इसके साथ ही मैं इस ब्रदर के पीछे बैठी हुई, और मैं डॉक्टर को देख सकती थी। डॉक्टर मुंह खोल रहा है, एक चीख खोलता है, दूसरा खोलता है, फिर लिप ऊपर करते हैं, नीचे करता है वो, तो और चारों तरफ पूरे उससे कर रहा है। तो मैं तो और घबरा गई कि ये तो लाइक इसका तो पूरे मुंह में फैला हुआ है, मैंने तो खाली दो साइड की ली है। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई कि गुरुजी प्लीज ये क्या हो रहा है एंड ऑल। तो इसको, तो मुझे डॉक्टर कहता है कि खड़े होना, मैं खड़ी हो गई कि देखो इनका मुंह। मैंने कहा हाँ, मैं देखने लगी। कहता है आप कह रहे थे यहाँ पे पस है, यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ ब्लड है, यहाँ पे ये है, ये वो है, कहाँ है दिखाओ मुझे, कहाँ है, कुछ है यहाँ पे, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैंने बोला नहीं ये मेरे पास पिक्चर है, ये मैंने रात को ली है इसकी। तो बोलते हैं मुझे पिक्चर से क्या लेना देना, मुझे अभी दिखाओ, इनके मुंह में तो कुछ भी नहीं है। संगत जी इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे कि ओवरनाइट इसका निकल जाना, क्या कहेंगे इसको? गुरुजी के अलावा और तो कुछ नहीं है, गुरुजी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं हम सब पर, गुरुजी से जुड़े रहो। मैं कहती हूँ कितनी भी प्रॉब्लम आए, तो ये शायद ऐसे वाले सत्संग गुरुजी ने दिए हैं और मुझे आदेश दिया, बार बार आदेश दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे सत्संग करते जाना है, करते जाना है, करते जाना। ये गुरुजी के वचन थे, मुझे लास्ट डे अपने पास बिठाया, समझाया, चीजें बताई, और वो उनका ही कृपा है, असीम कृपा है कि हम लोग शेयर कर पा रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच।